रायबरेली योगी सरकार का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गौ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रायबरेली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 3 गौ तस्करों को मुठभेड़ के दौरान किया गया गिरफ्तार। 3 बदमाशों के पैर में लगी गोली, भारी मात्रा में असलहा व कारतूस बरामद। 3 घायल बदमाश अस्पताल में भर्ती। मामला महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मऊ गांव के पास स्थित जंगल का है, जहां गौ तस्करी की सूचना पर SOG व महाराजगंज पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। तभी संदिग्ध स्कॉर्पियो आती हुई दिखाई पड़ी। पुलिस ने स्कॉर्पियो को रुकने का इशारा किया, लेकिन स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने पुलिस पर गोली चला दी और स्कॉर्पियो लेकर भागने लगे। जब पुलिस ने पीछा किया, स्कॉर्पियो सवार तीनों बदमाश गाड़ी छोड़कर पैदल जंगलों में भाग गए। पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया, जिसमें बदमाशों के द्वारा पुलिस के ऊपर फिर फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग में इमरान 25 वर्ष निवासी मोहनगंज जनपद अमेठी, कासिम उम्र 26 वर्ष निवासी ऐशबाग जनपद लखनऊ, लवकुश 22 वर्ष अमावा जनपद रायबरेली के पैरों में गोली लगी, जिनको इलाज के लिए महाराजगंज स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां तीनों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं पकड़े गए तीनों बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस, एक स्कॉर्पियो, एक मोटरसाइकिल, एक लोडर गाड़ी बरामद हुई है। पुलिस ने बदमाशों से बरामद गाड़ियों को कब्जे में लेकर आगे की विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर अनुराग शुक्ला, EMO डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। अच्छा, परंतु बेड में घायल है, क्या है? ये महाराजगंज CSC से रिफर होके 3 युवक हमारे पास आए हैं, जिनका नाम इमरान है, कासिफ तथा लवकुश, और जो 108 एम्बुलेंस द्वारा और पुलिस द्वारा लेके आए गए, जो घायल अवस्था में हैं, उनको भर्ती करके उनका इलाज चल रहा है। देखते रहिए TV भारती समाचार, नजर हर खबर पर।